एक बहुत ही डेंजरस कपल जो पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। एक वाइफ जो अपने हस्बैंड से पीछा छुड़ाना चाहती थी, एक सुसाइडल राइटर। इसी तरीके के फॉल्टी कैरेक्टर्स को लेकर एक सेटिंग में डाल दिया जाए तो फिर क्या होगा, ये आज की हमारी मूवी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टू डेज इन द वैली एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये बहुत ही अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम हमारे दो मेन कैरेक्टर को देखते हैं, एक का नाम है ली और दूसरी का नाम है टेडी। ली एक बहुत ही डेंजरस असैसिन है, उसे एक आदमी को मारना था तो उसने टेडी की हेल्प ली। टेडी बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा था, पर फिर भी टेडी कहता है तुम्हें मुझे पूरा पे करना पड़ेगा, मैंने कुछ टाइम ऑफ लिया था पर मैं अब बेटर हूँ। इन दोनों ने नेगोशिएशन किया। इसके बाद हम देखते हैं एक कपल अलग अलग सोया हुआ था, क्योंकि इनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। हस्बैंड का नाम है रॉय और वाइफ का नाम है बेकी। आज रात रॉय को मारने के लिए ली आ रहा था। बेकी रात में अपनी नींद में जरा डिस्टर्ब हो गई थी, उसे बुरा सपना आया था, तो रॉय उसके पास आ जाता है, उसे संभालता है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, पर रॉय ने बेकी को बहुत हर्ट किया है। ये दोनों जब मैरिड थे तब रॉय ने बेकी पर चीट किया था, इसी वजह से बेकी अब उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। रॉय डिसअपॉइंटेड हो गया और यहीं पर सो जाता है। इन दोनों के सोने के बाद ली और डॉस्मो ये डायरेक्टली इनके घर में घुस कर आए। ये बेकी को अनकॉन्शियस होने का इंजेक्शन देते हैं। रॉय उठ चुका था पर उस पर उन्होंने गन लगाई थी तो कुछ भी बोल नहीं पाता। ली उसके पास जाकर उससे पूछता है, क्या हेल्गा ने तुम्हें अप्रोच किया था, क्या तुम्हें पता था कि वो रशियंस के लिए काम कर रही थी। हेल्गा हमारी और एक मेन कैरेक्टर है और इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ली ने रॉय को बताया कि हेल्गा डेड है और उसकी फोटो भी दिखाई। रॉय ये देखकर बहुत ही डर गया था, क्योंकि हेल्गा के साथ ही उसने बेकी पर चीट किया था। ली रॉय को सच बताने के लिए सिर्फ एक मिनट देता है। अब सिर्फ थोड़े सेकंड बाकी थे तो रॉय ने सब कुछ हाँ कह दिया। ली उसे फिर भी मार देता है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हमारा और एक न्यू कैरेक्टर हमसे इंट्रोड्यूस होता है। इसका नाम है टेडी। टेडी एक्चुअल में हॉलीवुड में बहुत बड़ा राइटर था, पर बैक टू बैक उसने दो तीन फ्लॉप फिल्म्स दी, तो इस वजह से अब उसके साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता। टेडी इन सब बातों से बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया था, उसे लगता है उसका जिगर कोई भी पॉइंट नहीं है। वो मरना तो चाहता था पर उसके पास एक डॉग है, उसके वो बहुत केयर करता है। ये डॉग वो किसी को सौंप देगा और इसके बाद सुसाइड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम है एलन। एलन अपनी सेक्रेटरी से बहुत ही घटिया तरीके से बात कर रहा था। उसकी छुट्टी हो गई थी पर फिर भी उसे घर जाने नहीं देता। उसकी बहुत बड़ी मीटिंग थी पर जाते जाते ही उसका टायर फट गया। उसने अभी अभी किडनी स्टोन का ऑपरेशन किया था तो अचानक से उसे पेन होने लगता है। इस पेन की वजह से वो कहीं भी जा नहीं पाया। इसके बाद हमारा और एक मेन कैरेक्टर हमसे इंट्रोड्यूस होता है। इसका नाम है वेस। वेस एक पुलिस ऑफिसर है। वो एक मसाज पार्लर में आया हुआ था। उसे मसाज देने वाली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जापानीज लड़की थी। वो कहा की है कैसे यहाँ आए, इन बातों पर इन दोनों की कन्वर्सेशन होती है। मसाज करते करते लड़की वेस के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगती है। उसे पूछती है क्या मसाज के अलावा तुम और भी कुछ चीजें चाहते हो। एक्चुअल में वेस इस पार्लर में यही चेक करने के लिए आया हुआ था कि इस मसाज के पीछे क्या कुछ रैकेट चल रहा है। इस इनोसेंट सी जापानीज लड़की को देखकर उसे अरेस्ट नहीं करना चाहता था। उसे मना करता है और वैसे ही बाहर आ गया। उसने अपने पार्टनर एलविन से कहा कि अंदर कुछ भी गलत नहीं चल रहा। उसका पार्टनर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे 100% पता था इसमें कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। वेस कहता है कि वहाँ टीनेजर्स काम कर रही है, अगर हमें किसी को बर्स्ट करना ही है तो इनके बॉस को करें। इसके बाद हम फिर से ली और डॉस्मो को देखते हैं मर्डर करने के बाद एक हिल पर आए। डॉस्मो कहता है रशियंस के बारे में तुम क्या बात कर रहे थे। ली ने कहा तुम्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो डायरेक्टली उसे शूट कर देता है। शूट करने के बाद गाड़ी की डिक्की में उसने एक बॉम्ब लगा दिया और फिर वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी में हेल्गा उसका वेट कर रही थी। हेल्गा वही लड़की है जिसके साथ रॉय ने बेकी पर चीट किया था, और रॉय को लगा था ये हेल्गा की डेथ हो चुकी है, इसी वजह से वो बहुत ही डर रहा था, पर एक्चुअल में हेल्गा जिंदा है। ली और हेल्गा ये दोनों एक कपल है जो एक साथ लोगों को मारने का काम करते हैं। अब इन दोनों ने मिलकर रॉय को क्यों मारा इसका रीजन हमें आगे पता चलेगा, पर डॉस्मो को मारने का रीजन ये था कि अगर उसकी इस तरीके से डेथ हुई तो पुलिस को लगेगा कि रॉय का मर्डर डॉस्मो ने किया था और इन दोनों पर कभी भी शक नहीं आएगा। बॉम्ब पर ली ने एक मिनट का टाइमर लगा दिया था। वो हेल्गा से पूछता है क्या तुम रॉय के साथ सच में इंटीमेट हुई थी। हेल्गा कहती है जल्दी से यहाँ से चलो, हम इस पर बाद में बात करेंगे। ली कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही मिनट है। हेल्गा ने उसे बताया मैंने सिर्फ उसे किस किया था, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ।
ये कंफर्म होने के बाद ही ली यहाँ से आगे बढ़ा। इन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि डॉजमो अभी भी जिंदा है। वो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, इस वजह से वो सेफ है। वो इस हिल से नीचे आया तो वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हाउस था, पर इस हाउस में एक डॉग है। इस डॉग से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। एक्चुअल में यह हाउस एलन का है। एलन वही बिजनेसमैन है जिसका अभी अभी किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ था। उसने घर आने के लिए अपने सेक्रेटरी से हेल्प ली। उसे बहुत ही घटिया तरीके से बात करता है। उसकी सेक्रेटरी सुजन किस तरीके से दिखती है, इस पर भी उसने उसे चिढ़ाया। वो कहता है कि तुम अपने फेस का ऑपरेशन करवा लो, शायद उसके बाद कुछ लोग तुम्हें अप्रोच करें। सेक्रेटरी को इन सब बातों की आदत हो गई थी क्योंकि एलन उसे हमेशा इसी तरीके से ट्रीट करता था। सेक्रेटरी ने बाहर देखा तो डॉजमो ने इनके डॉग पर गन लगाई थी। एलन भी ये देखकर बहुत डर जाता है। डॉजमो ने कहा, इधर आओ और अपने डॉग को लेकर जाओ, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता। तुम्हारी गाड़ी की कीज और कुछ पैसे मुझे दो। वैसे मैं कोई भी चोर नहीं, पर फिर भी ये सिचुएशन ही ऐसी है। सेक्रेटरी और एलन बहुत डर गए थे, इसे उसका नाम पूछा। एलन के लिए सेक्रेटरी ने इतने साल तक काम किया, पर फिर भी सेक्रेटरी का पूरा नाम एलन को पता नहीं था। नाम सुनने के बाद डॉजमो कहता है कि तुम्हारा नाम बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब डॉजमो घर से निकल रहा था तो उसे पुलिस की आवाज़ आई। वो डर जाता है और वो घर में ही रुका। नेक्स्ट सीन में हम हेल्गा और ली को बात करता देखते हैं। हेल्गा उसे कहती है, रॉय तो मरने वाला था, पर तुमने उसे रशियंस वगैरह इन सब बातों के बारे में क्यों बताया? एक्चुअल में रशियन वगैरह सब कुछ बकवास था। ली को सिर्फ लोगों के साथ खेलना अच्छा लगता है। उसने हेल्गा से कहा कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, और फिर उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से डॉजमो को देखते हैं। उसे भूख लगी थी तो यहीं पर वो कुक करने लगता है। सुजन ने उससे कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ये दोनों इटालियन थे तो डॉजमो ने कहा कि पॉसिबल है, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था, पर ये दोनों रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। सुजन एलन के लिए एज अ सर्वेंट चेयर वगैरह निकाल कर दे रही थी, पर डॉजमो कहता है, ऐसा कुछ भी मत करो, अपनी खुद की रिस्पेक्ट क्या करो। डॉजमो सुजन को अच्छी तरीके से ट्रीट करता है तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब अगली सुबह बेकी उठी तो रॉय की डेड बॉडी अपने पास पाती है। ये देखकर वो बहुत ही डर गई थी। ऐसे भागते भागते वो हाईवे पर आई और हाईवे पर वेस और उसके पार्टनर से टकराती है। वेस आजकल अपने जॉब से अनसेटिस्फाइड था। उसे हमेशा से मर्डर वगैरह इस तरीके की चीज़ों को सॉल्व करना था, पर अपने डिवीजन में उसे ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं मिलता। अब वो बेकी के साथ उसके घर पर जाता है। रॉय का मर्डर देखकर इसे सॉल्व करने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड था। ये एक्साइटमेंट उसके पार्टनर एलविन ने कम कर दी। वो कहता है, ये हमारा काम नहीं, अब हम होमिसाइड को कॉल करेंगे और ये इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करेंगे। वेस फिर भी इन्वेस्टिगेशन करने लग गया। यहाँ पर उसे सिगरेट का पैकेट मिलता है। उसे लग रहा था कि शायद एक किलर का होगा। बेकी भी कहती है कि शायद एक किलर्स का ही होगा। इस वर्ड को वेस ने पकड़ लिया कि बेकी ने किलर्स कहा, यानी कि उसे पता था यहाँ पर दो लोग हैं। ये बात वो एलविन से कहता है कि शायद बेकी इसमें इन्वॉल्व थी, पर एलविन ने इस बात को इग्नोर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फिर से टेडी को एक सेमेटरी को विजिट करता हुआ देख सकते हैं। अपनी वाइफ की स्टोन को विजिट करने के लिए आया हुआ था। यहीं पर विजिट करने के लिए एक नर्स आई हुई थी, इसका नाम है ऑड्रे। उसे देखकर डैडी उसके पास गया, कहा कि क्या तुम मेरे डॉग का ख्याल रख सकते हो, मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है। ऑड्रे उसे मना करती है, पूछती है तुम करते क्या हो। टेडी ने कहा कि मैं एक राइटर हूँ। टेडी की एक फिल्म ऑड्रे ने देखी थी, उसे बहुत फनी लगी थी। इस बात पर इन दोनों में बॉन्डिंग होती है। अब ऑड्रे टेडी का डॉग लेने के लिए रेडी थी, वो अपने ब्रदर को गिफ्ट देने वाली है। वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरे ब्रदर से मिलना चाहते हो जिसके पास तुम्हारा डॉग रहेगा। टेडी भी इसके लिए हाँ कहता है। ये दोनों ऑड्रे के ब्रदर के घर पर आए, पर ऑड्रे का ब्रदर एलन ही है। सुजन देखती है कि ऑड्रे यहाँ आई हुई है। डॉजमो सुजन से कहता है, तुम ऑड्रे को संभालो। वो एलन को ऊपर के कमरे में लेकर जाता है। ऊपर जाकर डॉजमो अच्छे कपड़े वगैरह पहनकर रेडी हुआ। डॉजमो नीचे आया और अभी भी उसने एलन पर गन लगाई हुई थी। वो ऑड्रे को सारी सिचुएशन बताता है। अब ये सब लोग उसके बंदी बन गए थे। डॉजमो ने कहा, जब तक पुलिस यहाँ से चले नहीं जाते तब तक मैं यही रुकूंगा, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेकी पुलिस स्टेशन में आई हुई थी। सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद जब वो कार में बैठी तो हेल्गा उसका वेट कर रही थी। इसका मतलब है अपने एक्स हस्बैंड को मारने में हेल्गा का ही हाथ था। एक्चुअल में रॉय के पास एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस था। उसकी इस तरीके की डेथ होने के बाद सारे पैसे बेकी को मिलेंगे। इन्हीं पैसों के लिए उसने हेल्गा और ली को हायर किया था। अब जब वो हेल्गा से बात करती तो उस पर बहुत ही गुस्सा थी। एक्चुअल में रॉय का मर्डर कहीं और करने वाले थे, पर हेल्गा के पास उन्होंने किया। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी।
हेलगा कहती है, हमने थोड़े से प्लान चेंज किए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बेकी से पूछती है कि पैसे कहाँ है। बेकी ने कहा कि अभी भी वो घर पर ही है। एक प्रॉब्लम बन चुका था क्योंकि यही पैसे लेकर हेलगा और ली इस टाउन को छोड़कर जाने वाले थे। एक्चुअल में इंश्योरेंस के पैसे अलग है और घर में अलग से $30,000 थे। जब वे होटल पर पहुंचे तो ली को सारी सिचुएशन समझाई जाती है। ली कहता है कि अब मैं घर पर जाकर वो पैसे लेकर आता हूँ। बेकी ने कहा कि वहाँ डिटेक्टिव वगैरह होंगे। ली कहता है कि उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो उनको भी मार डालेगा। डॉजमन ने घर में सबको बंदी बना कर रखा था, पर डैडी इन सब बातों को एंजॉय कर रहा था। इस सारी सिचुएशन के डायलॉग वो अपनी बुक में लिख रहा है। डॉजमन उसे धमकाने की कोशिश करता है, पर डैडी थोड़ा सा भी नहीं डरता क्योंकि ऑलरेडी वो सुसाइडल था। वो जिए या मरे इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में हम वेस के पार्टनर एल्विन को देखते हैं। एल्विन हमेशा बहुत ही अग्रेसिव रहता था। उसके घर के सामने हमेशा कुछ लोग गोल खेलते हैं, उसकी कांच तोड़ देते हैं। आज फिर से हुआ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, डायरेक्टली अपनी गन लेकर ही उनके पीछे हो भागा। उन लोगों ने प्रॉपर पुलिस में कंप्लेंट कर दी, इस वजह से एल्विन का जॉब चला जाता है। रात में बेकी और हेलगा जब एक साथ थे तो बेकी बहुत ही डिस्टर्ब थी। वो हेलगा से कहती है, मेरा हस्बैंड चीटर था, उसे मारना कोई भी गलत बात नहीं, पर ली अब जाकर उन डिटेक्टिव को मारने वाला है। वो डिटेक्टिव इनोसेंट है, उन्हें हम नहीं मार सकते। हेलगा को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर इस बात पर इन दोनों में झगड़ा हो गया। फाइट करते करते ही हेलगा ने एक गन निकाली। इस फाइट में बेकी हेलगा को शूट कर देती है। वो जल्दी से यहाँ से भाग गई। इस गोली की वजह से एक साइड पर हेलगा को चोट आई थी। रात में बेकी के घर पर कुछ डिटेक्टिव क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तभी ली वहाँ पहुँच गया। वो इन दोनों को मार देता है। सेफ से उसने सारे पैसे निकाल लिए। तभी वहाँ पर नीचे से वेस आया। ली ने पुलिस का बैज ले लिया और वो प्रिटेंड करता है कि वो भी एक डिटेक्टिव है। वेस ने उससे बात की, कहा कि मैंने एक क्राइम सीन ढूंढा था। बेकी की बातों से ऐसा लग रहा था यहाँ पर दो किलर्स थे, शायद वो इसमें इन्वॉल्व है। ये सब बातें वो ली को बताता है। अब ली को लगता है कि वेस को उसे मारना पड़ेगा। वो उसे मारने वाला था, तभी हेलगा ली के पास आ जाती है। ली ने वेस को सिर्फ बेहोश कर दिया। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी थी। डॉजमो को यहाँ से निकलना था, पर सब लोगों को अपने साथ वो लेकर चलता है, यानी कि उस पर कोई भी शक ना करे। राइटर उस पर बिलीव नहीं करता कि उन्हें सेफली छोड़ देगा। वो उससे उसका वर्ड मांगता है, वो उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है। डॉजमो ने भी अपना वर्ड उसे दिया। यहाँ सुजन जब अपना जैकेट पहन रही थी तो डॉजमो एज ए जेंटलमैन उसे पहना देता है। आज इन दोनों में बहुत ही अच्छी सी केमिस्ट्री डेवलप हो गई थी। फिर से हम देखते हैं ली ने हेलगा की कंडीशन देखी। वो बहुत सारा ब्लड लॉस्ट कर चुकी थी तो वो जिंदा नहीं रह सकती। ली उसे सॉरी कहता है और अब वो उसे मारने वाला था। हेलगा ने कहा, प्लीज मुझे एक मिनट दो। ली उससे पूछता है कि अब तो मुझे सच सच बता दो, क्या तुम रॉय के साथ इंटीमेट हुई थी? हेलगा कहती कि तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो, उसे मारने ही वाला था पर उसकी गन जाम हो गई। वो डिटेक्टिव की गन लेने के लिए गया, पर तभी हेलगा वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो रोड पर आए और रोड पर डॉजमो और सब लोगों ने उसे नोटिस किया। ऑड्रे एक नर्स है तो कहती है कि मैं हेलगा को हेल्प कर सकती हूँ, अभी की अभी गाड़ी रोको। डॉजमो भी मान जाता है। डॉजमो ने हेलगा को देखा तो उसे पता चल गया कि ली भी आसपास ही होगा। वो जल्दी से यहाँ से निकल कर पास के घर में गया जहाँ पर ली था। इतने वक्त में वेस को होश आ चुका है। वो यहाँ से जा रहा था और ली उसे मारने वाला था, तभी डॉजमो ने ली पर गोली चलाकर वेस को बचा लिया। ली को एक गोली नहीं लगती, ये दोनों एक दूसरे को शूट कर रहे थे और डिटेक्टिव बेचारा बहुत ही डर गया था। ली डॉजमो से कहता है कि बाहर निकलो और डिटेक्टिव को लेकर जाओ, वरना मैं उसे मार डालूंगा। इन दोनों ने एक दूसरे पर बहुत गोलियां चलाए, पर डॉजमो के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो डिटेक्टिव को बचाने के लिए गया, पर ली उस पर गोली चला देता है। डॉजमो नीचे गिर गया। ली उसे देखने के लिए गया, तभी डॉजमो पलट जाता है क्योंकि उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट था। डॉजमो ने जल्दी से ट्रिगर दबाया, पर उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। ली इस पर हंसने लग जाता है, उसका लक बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अब एक गोली चलने की आवाज आती है। हमें लगता है कि ली ने डॉजमो को मार दिया, पर एक गोली ली पर चली थी। एक्चुअल में राइटर ने गनशॉट सुने और यही देखने के लिए वो पहुंच गया था। ली डॉजमो को मारने वाला था तो इसलिए उसने ली पर गोली चला दी। फाइनली इन सब की जान बच गई। डॉजमो ली के पास जो भी पैसे थे ये सारे पैसे ले लेता है। डिटेक्टिव उसे अरेस्ट कर सकता था तो ये सब पैसे उसने उसे ऑफर किए, पर डिटेक्टिव ने कहा कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ क्योंकि डॉजमो ने उसकी जान बचाई थी। डॉजमो को पैसे भी दे देता है। यहाँ से निकलते वक्त डॉजमो अकेला नहीं तो उसके साथ सुजन भी आई।
आज पूरे दिन में एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे। हमारे राइटर को भी अब एक बहुत अच्छी स्टोरी मिल चुकी है। वो अपने लाइफ को लेकर होपफुल था। उसे भी ऑड्रे पसंद है, तो थोड़े दिन में उसके पास जाकर उसे अप्रोच करता है। हमने देखा था कि बेगी हेल्गा के पास से भाग गई थी। उसे भी इंश्योरेंस के अब बहुत सारे पैसे मिलेंगे और वो बहुत खुश थी। फाइनली हम फिर से डॉजमो और सुजन को देखते हैं। सुजन ने कहा कि तुम एक पिज्जा प्लेस पर काम करते थे, मैं तुम्हें वहीं से जानती हूँ। मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने किसी के सामने नहीं बताया। डॉजमो उसे किस कर लेता है। उसने उसे कहा हम एक नई सिटी में चलते हैं, इन पैसों से हम हमारा खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे। सुजन को भी ये प्लान बहुत अच्छा लगा। डॉजमो हमेशा एक वीक पहनता था, सुजन ने नोटिस किया और ये निकाल लिया। डॉजमो जिस तरीके से वैसा ही उसे एक्सेप्ट करती है। इसी तरीके से इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हुई और यही आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।